हसनपुर में भूमि विकास बैंक के शाखा प्रतिनिधि चुनाव में सपा प्रत्याशी को बैंक अधिकारियों ने नहीं दिया नामांकन पत्र। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के हसनपुर की भूमि विकास बैंक के शाखा प्रतिनिधि चुनाव में सपा प्रत्याशी को चंद्रपाल जाटव को बैंक अधिकारियों ने नहीं दिया नामांकन पत्र। सपाइयों ने लगाया भाजपा पर गुंडागर्दी कर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का बैंक के बाहर हंगामा जारी, हो सकता है बवाल। बता दें कि अमरोहा जनपद के हसनपुर में आज भूमि विकास बैंक हसनपुर के शाखा प्रतिनिधि का चुनाव था, जिसके लिए भाजपा से चंद्रपाल सैनी का पर्चा भरा गया, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी के रूप में मित्रपाल जाटव पर्चा भरने पहुंचे तो बैंक अधिकारियों ने मुख्य द्वार बंद करा दिया और सपा कार्यकर्ताओं को बताया कि अब हमारे पास पर्चे नहीं हैं, जो थे वो बिक गए हैं। बस इसी बात से नाराज होकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैंक गेट पर खड़े होकर अपना विरोध दर्ज कराया। समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संदीप गुज्जर ने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया और कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे। लोग यहां पर्चा खरीदने के लिए आए थे, ये इन लोगों ने पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ना हम लोगों को पर्चा खरीदने दिया गया है, हमें बैंक में घुसने तक ना दिया जा रहा है। हम इसके विरोध में धरना प्रदर्शन जो भी होगा हम करेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये भाजपा चाहे कितनी गुंडागर्दी कर ले, चाहे कितनी तानाशाही कर ले, हम लोग हटेंगे नहीं। ये बैंक के शाखा प्रतिनिधि का चुनाव था, हम लोगों को पर्चा तक ना दिया जा रहा है। इसका टाइम 10 से 4 तक का है, 6 बजे आपको पर्चा नहीं। अब हम यहाँ 2 बजे आ गए हैं, 1 घंटे से खड़े हैं गेट पे हम, ये लोग बैंक का गेट नहीं खोल रहे हैं। हम प्रशासन के हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन हमारी नहीं सुन रहा कोई भी। कितने पर्चे का हमें तो एक ही पर्चा चाहिए। वो ये कह रहे हैं जितने पर्चे थे बिक गए, ना कोई ढंग से जवाब दे रहा है, ना बात कर रहा है। ये भाजपा की बिल्कुल सीधी सीधी गुंडागर्दी है, ये तानाशाही है, लोकतंत्र की हत्या है। हम धंधा देंगे ही बैठेंगे हम।